अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम अपनी वर्चुअल लैब जो है वो सेटअप कर सकते हैं, जिसके अंदर हम वेब टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। वेब टेस्टिंग सीरीज बेसिकली प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया था कि टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग या फिर वेब टेस्टिंग, नेटवर्क टेस्टिंग क्या चीज़ें होती हैं, साइबर सिक्योरिटी की जो ब्रांचेज वगैरह थी वो सारी की सारी मैंने क्लियर कर दी। इस जो है क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास एक वेबसाइट है, हम उस वेबसाइट को टेस्ट करना है, लेकिन हम उस चीज़ को कभी किसी पब्लिक जो है वेबसाइट के ऊपर टेस्ट नहीं करेंगे। फॉर सिक्योरिटी रीज़न हम अपना एक अपनी एक लैब बनाएंगे, जिस लैब के अंदर हम टेस्ट कर सकेंगे, और उसी लैब को क्या करेंगे हम अपने काली डायनेक्स से क्या करेंगे उसको एक्सेस करके उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के जैसे कॉसर स्क्रिप्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, काफ़ी तरह के जो अटैक्स हैं, ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह जो है, बबसूट वगैरह, ये सारे अटैक्स जो हैं हम जो है अपने लाइनिंग से परफॉर्म करेंगे उस सर्वर के ऊपर। अब इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ मेटास्प्लोइट की। मेटास्प्लोइट क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना आपने मेटास्प्लोइट और MS कंसोल के अंदर, दोनों अलग चीज़ें हैं। मेटास्प्लोइट टू जो कि है एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक विंडो, एक कंसोल विंडो है जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के अटैक्स कर सकते हैं उसके ऊपर। आप उसको एक IP के थ्रू एक्सेस करेंगे, करके उसके ऊपर आप अटैक करेंगे। आप कैसे, ये जब तक आप इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। ठीक है, सो क्या करना है सर, यहाँ पे मैं मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है, सोर्स फॉर गेट का प्रोजेक्ट है ये मेटास्प्लोइट 2। ठीक है, मेरे पास ये इसका है, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको डाउनलोड कर देता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ है, सिंपल डाउनलोडिंग है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इतनी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लिंक मैं दे दूँगा, आप इस लिंक से क्या करें सिंपली इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन भी जैसे इसकी लाइनक्स की इंस्टॉलेशन थी ऐसे ही बिल्कुल इसकी लाइनक्स है, शॉर्ट सी जो है इसकी होगी इंस्टॉलेशन, बहुत सिंपल, कोई इतना बड़ा इसके अंदर इशू नहीं है। ठीक है, मैं सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लोकेशन जो है यहाँ पे मैं अपनी गेमर लोकेशन देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। सिंपली स्टार्ट डाउनलोड करें, अभी डाउनलोड में थोड़ा टाइम लेगा तब तक। तो मेरे पास यहाँ पे देखें मेटास्प्लोइट जो है 2 मैंने डाउनलोडिंग पे लगाया था, वो डाउनलोड हो चुका है। मैं सिंपली ओपन फोल्डर कर लेता हूँ, ये मेरे पास फोल्डर है, कुछ इस तरीके से जिप फाइल है, जिप को अनजिप कर लें, सिंपली इस पर क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, इतनी बड़ी फाइल नहीं, 8-9 MB की फाइल है सिंपल। आप इसको जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लें, एक इस तरीके से आपके पास फोल्डर बन जाएगा, फिर हम इसको फोल्डर को ओपन करके इसको हम सिंपली इंस्टॉल करेंगे अपने VM के अंदर। अब बेसिकली ये डायरेक्टली फाइल नहीं है, ये आपकी VM की फाइल है, आपने इसको VM के अंदर ओपन करना और VM के अंदर ही आपने इसको यूज़ करना है। और एक और चीज़ है कि ये आपके जो मेटास्प्लोइट है ये आपके पूरे नेटवर्क के ऊपर भी होस्ट हो सकता है, आप इसको जो है पूरे नेटवर्क के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप एक सिस्टम इंस्टॉल कर लें और उस पूरे नेटवर्क जितने भी सिस्टम आप उसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं और इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो रहा है, वो किस तरीके से करना है मैं आपको ये बता दूँ, किस तरीके से नेट जो आप बनाते हैं। यहाँ पे VM पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक करें, ये सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नेटवर्क पे ओपन करें, मेरे पास ऑलरेडी नेट है, अगर ब्रिज आपके पास उसको हटा के नेट पे कर दें और ओके कर दें, मेरे पास ऑलरेडी नेट है तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो ये ऑलमोस्ट हो चुका है, मैं अपना जो है फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ये मेटास्प्लोइट लिनक्स कुछ यहाँ पर इस तरीके से फाइल्स हैं, तो आपने जो ये वाली फाइल है वर्चुअल मशीन फाइल जो आप यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको ये देखिए वर्चुअल मशीन फाइल जो है ये वाली। ठीक है, आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लें, यहाँ पे देखें कुछ व्यू मिले, ओके। सो ये मेटास्प्लोइट आपके पास ऐड हो गया, आप सिंपली आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और फाइल यहाँ पे ओपन सॉरी ओपन विंडो नहीं ओपन यहाँ पे ओपन होगा नीचे ये यहाँ से ओपन कर सकते हैं, दो वे आपके पास है जहाँ मर्जी से आप ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली पावर ऑन कर लेता हूँ। पावर ऑन करने के बाद ये वही VMware का पहला लोगो शो करवाएगा। ठीक है, शो करवाने के बाद सिंपली ये रन हो जाएगा, ये फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेगा, कुछ फाइल्स वगैरह कॉपी करेगा, आपकी फाइल मूव करेगा करके उस चीज़ के बाद ये रन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम सिर्फ टाइम लेता है, उसके बाद दोबारा ये टाइम नहीं लेगा, सिंपली ये रन हो जाएगा। अब ये भी रनिंग में है, तो लिनक्स के अंदर आके हम हाँ जी अपना ब्राउज़र ओपन कर लें, जिस ब्राउज़र के थ्रू हमने इसको एक्सेस करना है। बेसिकली अभी इसको एक्सेस करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी, एक तो हमें इसका IP चाहिए होगा, जो हमारे इस मेटास्प्लोइट का IP एड्रेस होगा हमें वो चाहिए होगा। वो किस तरीके से गेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लिनक्स के अंदर आप टर्मिनल के ऊपर ifconfig कमांड देते तो आपको IP मिल जाता है, सेम इसी तरह क्या करना है आपने अपने इस मेटास्प्लोइट के अंदर भी यही काम करना है। अब ये देखें कुछ इस तरीके की फाइल्स जो है रेडी हो रही हैं, आप इसका वेट करें, मैं आपको पहले IP चेक करवा जो करना है लिनक्स के अंदर बताता हूँ किस तरीके से IP चेक होता है।
टर्मिनल ओपन करें अपना। सो ऑलमोस्ट ये भी कुछ सर्विसेज वगैरह जो हैं वो स्टार्ट कर रहा है, जैसे कि एसक्यूएल की वगैरह सर्विसेज हैं। ये देखें, ये हो गया हमारे पास आईएफ कॉन्फ़िग। ओके, एंटर कर दें आईएफ कॉन्फ़िग के बाद ये कुछ आपको आपका डिटेल्स वगैरह यहाँ पे अडाप्टर की डिटेल दिखा देगा। बेसिकली ये इथरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरा आईपी, उसका मैक वगैरह हर चीज़ यहाँ पे गिवन है। ओके, सो इस तरीके से आप अपने मेटास्प्लॉइट के अंदर भी सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास कुछ कमांड लाइन है, मैं यहाँ पे msf admin, और इसका पासवर्ड भी msf admin ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, बाद में आप चेंज भी कर सकते हो डिपेंड ऑन यू। ओके, msf admin, ओके ओके, सो लॉगिन हो गया, आई एफ कॉन्फिग्ड, और यहाँ पे देखें हमारे पास इसका आईपी क्या आ गया, 192.168.243.1.29। ठीक है, इसको आज लाइनस के अंदर ओपन करें ब्राउज़र अपना, यहाँ पे टाइप करें आप 192.168, उसके बाद क्या था आगे 243.129.243.129। ओके, सो इसको एंटर करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये मेटास्प्लॉइट 2 जो है रनिंग में आ गई है, ये हमारे पास एक्सेस हो गई है। अब हाँ, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो हैं प्लेटफॉर्म है, आप डिफरेंट टाइप के जो हैं, जैसे कि आप अगर HTML इंजेक्शंस वगैरह आपने अटैक करें तो आपने मल्टी रेट जो है ये ओपन करना है। लेकिन सिंपली मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल चीज़ बताता हूँ, आपने ये डैम जो है वेब जो है वर्नबल्ड जो है एप्लीकेशन, हाँ इसका ये नाम होता है आई थिंक। सो DWW आपने ये सिंपली शॉर्ट में आपको बताता हूँ ये, और इसका जो यूज़र नेम होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो एडमिन, एंड इसका पासवर्ड होता है वो पासवर्ड होता है। ठीक है, आपने लॉग इन कर लेना डॉट से, कुछ इस तरीके से जो है आपके पास इसका इंटरफेस शो हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी पे क्लिक करें, या हाई पे है इसको लो पे कर लें, क्योंकि हमारा फर्स्ट काम है, हम इसकी सिक्योरिटी लेवल को क्या कर देंगे लो कर देंगे। PHP की इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि क्या कौन सा वर्जन है PHP का हमारा। इसके बाद आगे अगर स्टार्ट से होम इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे सेटअप है, सेटअप के अंदर आप अपनी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक करना है आपने, यहाँ पे आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो कोई भी, यहाँ पे आपके मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड इसको करता हूँ लॉग इन नॉट सेफ। आप यहाँ पे अपने लॉग इन पेज को क्या कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, कमांड जो एग्जीक्यूशन CSRF फाइल इंजेक्शन SQL इंजेक्शन, ठीक है, अपलोड कॉस्ट स्क्रिप्ट, ये सारे अटैक आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। तो आप इस तरीके से अपनी कोई भी लैब जो है वो सेटअप कर सकते हैं इजीली अपने लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर, विदाउट कोई पब्लिक चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी। टेस्टिंग के लिए आप जो है अपनी लैब इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फ्यूचर क्लासेस जो है हम ब्रूट फोर्स करना सीखेंगे, किस तरीके से हम लॉगिन पेजेस को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं थ्रू बब सूट के थ्रू हम किस तरीके से ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। तो होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन वगैरह वो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे।